So hey guys, welcome back to a new video. And right now it's 5:30 AM in the morning. हाँ भाई, मैं सुबह सुबह हर रोज जल्दी उठ जाता हूँ because I sleep around 9 or 10. उससे ज़्यादा देर नहीं करता हूँ सोने में, मैं पता नहीं क्या है because पहले जेट लैग हुआ था एक दिन का, मेरे को जेट लैग हुआ था तो एक दिन की वजह उसकी वजह से मैं शाम को जल्दी सो गया और सुबह जल्दी उठ गया. एंड उसके बाद से मेरा शेड्यूल ऐसा हो गया कि मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता हूँ बिकॉज मैं रात को अराउंड 9 से 10 के बीच में सो ही जाता हूँ. Guys, this is my first snowfall of New York. Snowfall तो लाइफ की पहली बार है, मैंने ऐसे कभी सामने सामने स्नोफॉल पड़ते हुए देखी है. मैंने बस जब चार दिन में पड़ी बर्फ पड़ी होती थी वो सब हो जाता है वो देखे, वैसे बर्फ देखे और स्नोफॉल कभी नहीं देखी तो बहुत सही लग रहा है देखने में. तुम देखोगे ना ध्यान से तो जैसे वहाँ पे वो देख रहे हो वहाँ सामने जो उस सब पे है फोकस हो, जैसे वहाँ पे बर्फ जम गई है ना, वैसे यहाँ पे नहीं जम रही. तुम देखोगे तो वहाँ थोड़ी सी पड़ हुई है बट ऐसे जम नहीं रही बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना अपने घर के आगे अपने ऑफिस के यहाँ पे कहीं पे भी जो आगे पेडेस्ट्रियन वॉकिंग का जो होता है रास्ता तो उसके ऊपर अगर बर्फ गिर गई और कोई उसकी वजह से फिसल के गिर गया तो आप पे फाइन आ जाएगा, गलती आपकी होगी पेडेस्ट्रियन की नहीं. तो इसलिए सबको अपने घरों के आगे अपने जो भी ऑफिसों के आगे सॉल्ट डालना पड़ता है ताकि जो है जो बर्फ़ है वहाँ पे बैठ ना जाए, यहाँ पे जमा ना हो जाए, सारी की सारी पिघल जाए, इसलिए यहाँ पे सॉल्ट डालते हैं बहुत सारा. तो इट्स द डे टाइम. जो तो मैंने लास्ट क्लिप देखी थी मैंने रात की दिखाई थी जब बर्फ पड़नी शुरू हुई थी, अभी भी बर्फ पड़ रही है. राइट नाउ इट्स 8 AM एंड भाई देखो अभी वो तो केक सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने आइसिंग कर दिया केक के ऊपर. भाई ये बहुत ठंडा है, रूई जैसा लग रहा है. मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा फनी वाली बातें कर सकता हूँ कि रूई जैसे लग रही है स्नो, ऐसे ऐसे बातें कर सकता हूँ बिकॉज मेरे लिए पहली बार है स्नोफॉल. मैंने स्नो देखी है बट जमी हुई जो होती थी वो देखे तो वो तो बहुत हार्ड होती थी, ऐसे एकदम जो अभी अभी जो ऐसे स्नोफॉल हुआ है, स्नोफॉल वाली स्नो है इसको टच करने का बहुत सॉफ्ट सी फील होती है. आई दिस इज अ ब्लैक आइस जो है ना, ये ब्लैक आइस है भाई, इससे बहुत बच के रहना चाहिए क्योंकि फिसल जाते हैं इसके अंदर. बाइक गाड़ी कुछ भी होगी कुछ भी फिसल जाएगी, चल तो सकते नहीं तुम इसके अंदर, भूल जाओ. तो इसलिए यार मुझे ना वहाँ जाना उस तरफ, ये ना बीच वाली जगह वो पैट खाली है सूखा पड़ा हुआ है, तो वहाँ जाके एक बार फोटो वोटो खींचनी है बढ़िया से, देखो कितना बढ़िया लग रहा है वहाँ पे. बट उधर जाने के लिए यहाँ क्रॉस करना पड़ेगा, वो मैं कर नहीं सकता बिकॉज बीच में फिसल जाऊँगा पक्की बात है. मैंने ऐसा ट्राई करा था ऐसे पैर रख करने का, पैर रखते ही पैर आगे निकल गया, हाँ वो पैर चला गया, फिसल गया. बट एनी वेज देखो भाई क्या मस्त व्यू लग रहा है, पूरी सफेद सफेदी छा गई. ये लोग सर गाड़ी कैसे चलाएंगे अब, इनको तो विंडशील्ड साफ करने में इतना टाइम लग जाएगा, आगे वाइपर से तो होने से रही है, वाइपर हटा दे. मतलब अभी जो स्नो है अगर अभी हटाओगे तो हट भी जाएगी बट अगर एक बार जम गई
तो फिर मुश्किल होता है साफ करना, फिर कैसे करते हैं वाइपर से। भाई मेरा हाथ जमने लगे हैं, मैं अंदर जा रहा हूँ, हाथ जम जाने रहती जैसे। बीच में तो जम रही है, धूप भी आ गई है। भाई अपन होटल छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं बल्टी अंकल के घर पर, बिकॉज अपना होटल का टाइम पूरा हो चुका है। अंकल घर पर रहेंगे, मजे करेंगे, एंड फिर यूनिवर्सिटी का मैंने हाउसिंग का भी पे कर दिया है, तो यूनिवर्सिटी हाउसिंग का भी अपना बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर यूनिवर्सिटी डॉर्म में जाएंगे और फिर अपनी असली कॉलेज लाइफ शुरू होगी एज अ बैचलर स्टूडेंट इन यूएसए। वो अंकल के कार देखो, सेक्सी सा रोड कुछ दिख नहीं रहा मुझे, इतनी ज़्यादा धूप है। अभी फ़ोन रखते हैं, कार से सामान रखते हैं। ऐसा नहीं लग रहा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जो डॉक्टर स्ट्रेंज के सर में घुसा रहा होता है, वो मैं जो दूसरा का होता है कार्टून सही टाइप का स्पेसशिप में चारों तरफ से घुसा रहे होते हैं इस चीज़ को। सो इन दिनों से कोई ब्लॉग नहीं बनाया था बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी था। अभी अभी मूव इन हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जो लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा, तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। डॉर्म टूर भी जल्दी करेंगे, बट अभी तो सब कुछ फैला सा हुआ है इसलिए मैं कुछ अंदर दिखा नहीं रहा डॉर्म के। बट भाई आज अपना पहला दिन है क्लास का, आज मज़ा आएगा। देखो सारे के सारे बच्चे जा रहे हैं, देखो तो आज अपना पहला दिन है क्लास का। एंड राइट नाउ इट्स 8 AM, मैं सुबह 6:30 जग गया था। अभी मेरे को रिचर्डसन हॉल जाना है, तो देखना पड़ेगा उसका रास्ता कहाँ है। अभी पहले क्लास पहुँचते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई अपनी दोनों क्लास हो गई हैं, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस दोनों। मैथ्स की पहली क्लास थी वो तो ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाली क्लास में मैं भाई सो गया था, मतलब नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा मेरे को, बिकॉज प्रोफेसर कुछ ज़्यादा ही फनी बनने की कोशिश कर रहा था बट बन नहीं पा रहा था, क्या कर सकते हैं कोई नहीं। बट बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा तुम देख ही रहा होगा। देखो भाई सब बच्चों ने जैकेट भर भर के पहनी, इतनी हवा चलती है। तो मैंने अंदर 2 स्वेटशर्ट्स पहनी हुई इसके, फिर भी ठंड लग रही है मेरे को। एंड मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है बिकॉज जैसी जगह में सीधे कपड़े वपड़े पहने, ब्रश करा और यहाँ पे आ गया। अब पहले कुछ खाना है एंड उसके बाद एक्सरसाइज के लिए भी जाना है। सो आई विल गो फॉर स्विमिंग आई गेस, बिकॉज ट्रंक्स अपने पे हैं, गॉगल्स वो रेंट करते हैं, तो स्विमिंग पे जाएंगे। अभी पहले कुछ खाते हैं बिकॉज पूरा पेट खाली हो रखा है मेरा, कुछ खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। भाई कोका कोला कॉफ़ी भी बनाती है, मैं तो पहली बार कोक की कॉफ़ी देख रहा हूँ। सो भाई अभी अपन ने ये भाई ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है लिटरली, तो मैं आवाज़ भी आ रही हूँ कि माइक के अंदर। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैड क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी, बट कुछ नहीं कर सकते यार, उसका आवाज़ वो हवा की आवाज़ आनी आनी है, इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। बट मेरे को क्यों देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा, जब मैंने लास्ट तो मैंने होडी पहनी, तो मैं भी खाने के लिए जा रहा था एट सैम्स प्लेस, डाइनिंग हॉल का नाम सैम्स प्लेस है। बट भाई नहीं जा पाया उधर मैं, इतनी ज़्यादा तुमने देखा ना कितनी ज़्यादा हवा चल रही थी, मैं फ्रीज हो गया था लिटरली, मेरे हाथ पाथ काँप रहे थे, मैं कर ही नहीं पा रहा था। तो मेरे को जैकेट ऊपर से और पहनी पड़ी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। कल रात परसों को तो मतलब मैं यहाँ पे डाल दूंगा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी की, मैं जो क्लिप है वो डाल दूंगा। ऐसा पूरा वाइट हो रखी थी रोड ही बर्फ की वजह से। अभी पर खाना खाते पहले, और मैं उधर खाना खाने के लिए गया था बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है बिकॉज डंकिन डोनट्स वो सब है,
तो हमारे बच्चे कॉफी वॉफी ले रहे होंगे तो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। ओके इससे अच्छा तो मैं आगे जैकेट पहन लेता हूँ, मैं फिर डाइनिंग हॉल में तो उसके लिए ज़्यादा लंबे लाइन कुछ फायदा नहीं उसका, जैसे भी कुछ काम भी था फाइनेंस ऑफिस से मेरी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग तो भी करवाना था तो वो हो गया है। एंड यहाँ पर बड़ा बहुत ज़्यादा फिसलने का खतरा है बिकॉज ये जो है ना आइस कई बार ऐसे जमी हुई होती है पतला पत्ती एकदम पत्ती सी लेयर होती है आइस की, पानी की बस पत्ती सी लेयर होगी वो तुम देखोगे तो तुम फिसल गए आइस एक्स्ट्रा पैर फिसल जाता है। ऑल दो मेरे शूज़ काफ़ी काम आ रहे हैं बट स्टिल मैंने स्नो बूट्स ऑर्डर कर दिए अंडर आर्मर से तो वो आ जाएंगे बंटेल एयर ऑर्डर होंगे डिलीवर होंगे तो मैं वहीं से अभी वीकेंड पर उनके घर जाऊँगा तो मैं वहीं से पिकअप कर लूँगा। ये अपन टाइमिंग में आ गए पहले कुछ देखो बस यहाँ पे बटन दबाना होता है एंड फिर चार पैनकेक अपने आप ही देखो यहाँ पे दिखा रहे कि दो आ गए हैं दो बचे तो दो इस लेवल पे जैसे ही आएगा वो भी यहाँ से गिर जाएंगे। एंड वॉफल बनाना होता तो मैंने वॉफल बना दिया है बस ग्लास उठाओ इधर से लिक्विड डाल दो जैसे वो और पानी लगा दो ग्लास उठाओ यहाँ से लिक्विड भरो इसमें डाल के बस घुमा दो तो अपने आप ही उसका टाइम अराउंड हो जाएगा एंड 3 मिनट का टाइम होता है 3 या 3.5 मिनट्स का तो वॉफल बन जाएगा। यहाँ पे सारे बेकर के वो रखे हैं बंस उसको उसमें बस गर्म करो वहाँ से क्रीम लगा दो। भाई स्विमिंग अपनी पूरी हो गई है ठीक है। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है मैं तुम दिखाऊंगा ये है स्विम मेट करके मशीन लगा रखी है इन्होंने यहाँ पे देखो इतनी छोटी सी है दूर से दिखाता हूँ इतनी छोटी सी मशीन है ना जगह भी बहुत कमी है यू कैन जस्ट ओनली फिट योर स्विम सूट हियर नथिंग एल्स। तो देखो जैसे ये है तो मैंने अभी अपने जो ट्रंक्स हैं वो उसमें डालने हैं तो मैंने डाले इसके अंदर स्विमिंग ट्रंक्स जो है वैसे नीचे तक दबा देना है और अब इसको दबा के रखना है ये ऐसे घूमेगा जब हो गया इसको खोल हाथ टटा दो खुल गया एंड भाई पूरा का पूरा ड्राई मतलब बेसिकली है तो वॉशिंग मशीन का ड्राई आईडी कुछ अलग नहीं है बट ऐसे स्विमिंग के जो स्विमिंग यहाँ पे करते हैं उसको तो वॉशरूम और चेंजिंग एरिया जो है वहाँ पे लगा रखा तो अच्छी बात है एकदम छोटा सा ही है तो आई थिंक इंडिया में भी होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे अब ये है मैं इसको इतना ये सूख चुका है कि मैं इसको इजीली अपने बैग में डालता हूँ बस हवा लगानी है देखो बिल्कुल ही मॉइस्चर फील नहीं हो रहा बट ठंडा ठंडा सा लगता है ना वो तो बस ऐसे इसको कहीं भी अपनी चेहरे पर डाल दो सुबह देखोगे तो पूरा का पूरा सूखा हो मिलेगा ऐसा नहीं है कि पानी टपक रहा है कुछ हो रहा है तो काफ़ी अच्छा होता है। इंडिया में दिक्कत आती थी जब मैं स्विमिंग करता था तो सारे के सारे गीले कपड़े होते थे स्मेल आती थी इससे स्मेल भी नहीं आती ज़्यादा तो ये अच्छी बात है। अभी यहाँ पे बना रखा है यहाँ पे पहले सामान रखो फिर अंदर जाओ नहाने मैं नहा तो लिया हूँ अभी पर सब सामान वान रख के निकलते हैं बाहर। तो भाई स्विमिंग करके हो गया अपना ठीक है वापस कपड़े पहन लिए एंड मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पे नहीं पता थी जहाँ पे ऐसे नॉर्मल लॉकर्स में होती हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा दिखाना चाहता था बट मैं नहीं दिखा पा रहा था बिकॉज मैंने बस स्विमिंग ट्रंक्स पहना तो पर कुछ नहीं पहना हुआ था ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बॉडी नहीं दिखाना चाहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी दिखाना चाहता हूँ बट क्या कर सकते हैं थोड़े है ना सीन मोटे हैं अब कर तो बहुत कुछ सकते हैं बट करा नहीं अब कर रहे हैं भाई क्योंकि गर्लफ्रेंड भी तो बटानी है ना मजाक कर रहा हूँ वैसे इस शक्ल को देख के लगता है कि इससे गर्लफ्रेंड पटेगी इस शक्ल से दे लगता है कोई गर्लफ्रेंड पट जाएगी अभी 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 के लिए पढ़ाई वाले बच्चे हैं बाद में फ्यूचर की बात हो तो बात की बात बट अभी चलते हैं बिकॉज अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है बहुत ज़्यादा पूल 25 मीटर्स का है गैस हाँ अराउंड 1 hour 15 या 20 मिनट्स करिए स्विमिंग एंड बहुत टाइम बात करी थी इसलिए कम करिए वरना मैं 1.5 घंटे नहीं करता बहुत ज़्यादा टाइम बात करी थी तो सांस भी कुछ ज़्यादा फील की थी मेरी बट कोई नहीं आज पड़ जाएगी आपस से अपन आपस से फॉर्म में आ जाएंगे। I wish you a